नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी भाग 8। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उदाहरण, प्रसरण व मानक विचलन ज्ञात करने के लिए लघु विधि। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सतत बारंबारता बंटन के विषय में पढ़ा था। चलिए अब उस पर कुछ उदाहरण करें। तो पहला उदाहरण है, निम्नलिखित बंटन के लिए माध्य, प्रसरण और मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो जो आंकड़े हैं वे हैं वर्ग और बारंबारता। तो जैसा कि आपको बताया, यह सतत बारंबारता बंटन है, तो यहाँ आंकड़े दो संख्याओं के बीच में होते हैं, यानी 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100, और उनकी बारंबारताएं हमें दी गई हैं। चलिए अब इसका हल देख लें। तो दिए गए आंकड़ों में निम्नलिखित सारणी बनाते हैं। तो आइए सारणी देख लें। तो दोस्तों, सारणी में सबसे पहला कॉलम होगा वर्ग, जो कि हम प्रश्न से ही उठाएंगे, यानी 30 से 40, 40 से 50 इत्यादि। दूसरा कॉलम यानी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी भी हम प्रश्न से उठाएंगे। बस अंत में, जैसा कि हम करते आए हैं, सारी बारंबारताओं का योग हम कर देंगे, जो कि हमें 50 के बराबर मिलेगा। अब चलिए मध्य बिंदु देख ले। मध्य बिंदु XI, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हमें सतत बारंबारता बंटन दी गई है, उसे असतत बारंबारता बंटन में कन्वर्ट करने के लिए आप सर्वदा एकल संख्या प्राप्त करते हैं, और वह एकल संख्या हमेशा उन दो आंकड़ों के बीच का मध्य बिंदु होता है। तो इस प्रकार 30 से 40 के बीच का मध्य बिंदु हुआ 35, 40 से 50 का 45 इत्यादि। तो सारे मध्य बिंदु हम लिख लेंगे। अब चौथा कॉलम FIXI, यानी बारंबारताओं को मध्य बिंदु यानी XI से गुणा करेंगे, क्रमशः आंकड़ों को हम गुणा करेंगे। तो सारे आंकड़ों को गुणा करके हम अंत में उन सभी का योग निकाल लेंगे, जो कि हमें 3100 मिल जाएगा। पांचवा कॉलम यानी XI माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और एक्स बार आप जानते हैं वह होगा माध्य, और माध्य कैसे निकलता है, सभी आंकड़ों का योग भाग दिए गए आंकड़ों की संख्या। तो एक्स आई को हम ऐड करेंगे और उन्हें नंबर ऑफ आंकड़ों से विभाजित कर देंगे। तो इस प्रकार हम पांचवा कॉलम बना लेते हैं। और आखिरी कॉलम होगा सारी बारंबारताओं को एक्स आई माइनस एक्स बार के स्क्वायर से क्रमशः गुणा कर देंगे। अंत में जो योग प्राप्त होगा वह होगा 10,050। अब चलिए सूत्र और वैल्यूज डाल लें। तो माध्य होगा सम्मिशन आय 1 से लेकर 7 तक एफ आई एक्स आई भाग कैपिटल एन, और कैपिटल एन होता है सारी बारंबारताओं का योग। तो हमें वैल्यूज पता है सारणी से, हम डायरेक्ट यहाँ वैल्यूज डाल के माध्य की जो संख्या निकालेंगे वह होगी 62। उसी प्रकार अब प्रसरण निकाल लेते हैं, यानी सिग्मा स्क्वायर, जिसका सूत्र है 1/N सम्मिशन आई 1 से लेकर 7 तक एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो अब डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो वह आएगा 1/50 इंटू 10,050, जिसे सॉल्व करने पर 201 आएगा। अब ठीक उसी प्रकार मानक विचलन हम काफी सरलता से निकाल लेते हैं, जो कि प्रसरण का स्क्वायर रूट होगा। तो 201 का स्क्वायर रूट हमें प्राप्त होगा 14.18। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने एक सतत बारंबारता बंटन के आंकड़ों से माध्य,
उसका प्रसरण और मानक विचलन प्राप्त कर लिया। अब उदाहरण दो देख लें। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो आंकड़े हैं XI, FI। हल देख लें। हम आंकड़ों से निम्नलिखित सारणी बनाते हैं। तो सारणी होगी तो दोस्तों सारणी हमारे पास है जिसका पहला कॉलम XI होगा जो कि हम प्रश्न से ले लेंगे। दूसरा कॉलम होगा बारंबारताएं FI जो वो भी हम प्रश्न से ले लेंगे और वह लिख के उनका योग 48 होगा। वह हम सारणी में लिख देंगे जैसा कि हम करते आए हैं। अब तीसरा कॉलम FI XI और उनका योग अंत में 614। अब चौथा कॉलम दोस्तों XI का स्क्वायर, क्योंकि यह एक असतत बारंबारता बंटन है इसीलिए यहाँ माध्य की कोई आवश्यकता नहीं है और एकल संख्या ही प्राप्त करनी है, अतः XI का स्क्वायर। अब दोस्तों पांचवा यानी आखिरी कॉलम सारी फ्रीक्वेंसीज को क्रमशः उनके XI स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे और अंत में उन सभी का योग हम नोट करेंगे जो कि 9652 होगा। दोस्तों ये जो योग है यही हमारा सबमिशन कहलाता है। तो जो सूत्र में हम आय एक से लेकर 6 या 7 कुछ भी लिखते हैं वह योग होता है और वही योग हम सारणी में काफी सरलता से निकाल लेते हैं। तो चलिए अब सूत्र लगाएं और वैल्यूज पुट करें। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था प्रसरण का जो दूसरा सूत्र है उसका फॉर्मूला होता है 1/N अंडर द रूट N इंटू सबमिशन आय एक से लेकर n तक FI XI का स्क्वायर माइनस सबमिशन आय एक से लेकर n तक FI XI का होल स्क्वायर। और मैंने आपको बोला था कि यह बहुत ही आवश्यक है, इसे याद कर लीजिए। तो चलिए अब इसी सूत्र में हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो 1/N हो जाएगा 1/48 स्क्वायर रूट ऑफ 48 इंटू 9652 माइनस 614 का होल स्क्वायर, जो कि हमें अंत में 6.12 के बराबर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न के माध्यम से मानक विचलन का दूसरा फॉर्मूला यूज करना भी सीख लिया। तो आइए अब मानक विचलन का सूत्र देखें। अब यदि आप यहां ध्यान से देखेंगे तो यह सूत्र वह है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो कि एक अन्य सूत्र है। तो यहां वो बराबर होता है 1/N स्क्वायर रूट ऑफ N इंटू सबमिशन आई एक से लेकर n तक एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस आई एक से लेकर n तक एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। तो दोस्तों जो हमने सारणी बनाई थी वह हमने इसी सूत्र को लगाने के लिए बनाई थी। तो चलिए अब वैल्यूज पुट करें। 1/N की वैल्यू 1/48 अंडर द रूट ऑफ 48 इंटू 9652 माइनस 614 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये हम सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही ध्यान से आप इसकी कैलकुलेशंस कीजिएगा क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां कैलकुलेशंस में ही होंगी और यह मानक विचलन 6.12 के बराबर आएगा। तो यहां मानक विचलन हुआ 6.12। चलिए अब पढ़ते हैं कि प्रसरण व मानक विचलन ज्ञात करने हेतु एक लघु विधि। दोस्तों कभी कभी एक बारंबारता बंटन के प्रेक्षणों XI अथवा विभिन्न वर्गों के मध्य मान XI के मान बहुत बड़े होते हैं तो माध्य तथा प्रसरण ज्ञात करना कठिन हो जाता है।
तथा अधिक समय लगता है। यानी कभी कभी एक्स आई की वैल्यूज बहुत बड़ी हो जाती है, इसीलिए माध्य की कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाती है। इसी कारण ऐसे बारंबारता बंटन जिसमें वर्ग अंतराल समान हो, यानी क्लास इंटरवल समान हो, तो आप पद विचलन विधि द्वारा प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। अब पद विचलन विधि होता है स्टेप डिविएशन मेथड। तो दोस्तों, मान लीजिए कि कल्पित माध्य ए है, यानी कैपिटल ए है, और मापक या पैमाने को 1/h गुना छोटा किया गया है। और जैसा कि मैंने बताया, यहां h वर्ग अंतराल है। अब दोस्तों, मान लें कि पद विचलन या नया चर y i है, तो यहां एक नया चर या वेरिएबल हमने y i से डिनोट किया, यानी y i बराबर हो गया x i माइनस a अपॉन h, क्योंकि हमने कल्पित माध्य को 1/h से छोटा कर दिया। तो उस प्रकार से yi की वैल्यू हमें xi माइनस a अपॉन h मिल गई, और इस इक्वेशन को हमने समीकरण एक मान लिया। तो इसे सॉल्व करने पर एक दूसरी इक्वेशन xi की टर्म्स में मिली, xi बराबर a प्लस h इंटू yi। इस समीकरण को हमने समीकरण दो मान लिया। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जो माध्य का सूत्र होता है वह होता है i एक से लेकर n तक fi xi भाग कैपिटल N, जो कि सारी बारंबारताओं का योग है। अब एक से xi को दो में रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है, यानी समीकरण एक में से हम xi की वैल्यू दो में रख देते हैं, तो उससे हमें दो इक्वेशंस प्राप्त होंगी। तो वो दो इक्वेशंस सॉल्व करने पर आएंगी xi बराबर a प्लस h इंटू y बार, जिसे हम समीकरण तीन बोलेंगे, और दूसरी इक्वेशन आएगी सिग्मा x बराबर h इंटू सिग्मा y, जिसे हम समीकरण चार कहेंगे। और दोस्तों, तीन और चार से हम जो एक नई इक्वेशन या समीकरण प्राप्त करेंगे सॉल्व करने पर, वह होगी सिग्मा x बराबर h अपॉन कैपिटल N अंडर द रूट ऑफ कैपिटल N सबमिशन i एक से लेकर n तक f i y i का स्क्वायर माइनस सबमिशन i एक से लेकर n तक f i y i का स्क्वायर। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशन है, जिसको हम उदाहरण के माध्यम से यूज करना समझेंगे। आप ये याद कर लीजिए। तो इस वीडियो में हमने सीखा उदाहरण, प्रसरण व मानक विचलन ज्ञात करने के लिए लघु विधि। अगली वीडियो में हम इस पर कुछ उदाहरण करेंगे, बारंबारता बंटनों का विश्लेषण पढ़ेंगे तथा दो समान माध्य वाले बारंबारता बंटनों की तुलना करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।